पाती लिख दे और उनको बुलवा के देख वो दौड़े चले जाएंगे। और इतनी बात कह करके वो सहेली वहां से चली जाती है। समय गुजरता गया, समय गुजरता गया है। अब धीरे धीरे विवाह का दिन भी निकट आ गया। इधर शिशुपाल ने उस कुंदनपुर को एकदम दुल्हन की तरह सजवा दिया है। अच्छी व्यवस्था, क्योंकि राजा वाली बात। और उधर जो रुकुम है उसने भी अपने नगर को सजवा दिया है। शिशुपाल ने दंत बक्र जरासंध जैसे राजाओं को विद फौज के साथ में बुलाया है। बारात के रूप में फौज तैयार की, भोजन की व्यवस्था की है, सब कुछ बड़ा अच्छा हो रहा है। आज स्वयं दूल्हा बनने लगा है। और कैसे बन रहा है कि जाके शीस पे सहरा धरो छींक भई भारी, जैसे ही सर पे रखो ना जा तो क्या बोलते हैं, और मोहर, जैसी मोहर रखो सो कछु बिटिया गीत गा रही सुबह में एक ने छींक दो, और जो छींको और जैसे ही छींको सो भाभी बोली लला असगुन हो रहे तुम मत जाओ, असगुन हो रहे भाभी हाँ जल्दी कर मुझे पल पल देर मत कर। अच्छा हाँ ब्याह के मन चटके जा रहे हो, पट्टा से रपटी गो पैर पटक लगी भारी, और जैसे ही पट्टा पे पैर रखो सो पट्टा से पैर सरक गयो तो मड़ाई के नीचे गिरो पिनौरे से बींद भरे। सही में और इसी के साथ सर्वेश ड्राइवर जी नगला देवगंज से 51 रुपया भेंट किए हैं। असीम कृपा हो भगवान की, जीवन खुशियों से महकता रहे। मड़ाई के नीचे गिरो पिनौरे से बींद भरे भाभी कहें लला अब कछु ना होएगा भाभी, रुक जाओ तुम मत जाओ, जल्दी कर क्यों देर लगा रही है, रुकमणी इतनी सुंदर है। कितनी सुंदर है, अंधेरे में खड़ी कर दो तो लैंटर्न की तरह चमकती है। अच्छा हाँ कहूँ तुम्हारी लैंटर्न से बुझ जाए हम कह रहे हैं। और भाभी यहाँ से तो इतनी सुंदर है हाँ। क्या देख के रणवीर शर्मा जाए, तुम्हारी खुद सा गहरे व्यक्ति है। जल्दी कर भाभी पल पल देर कर, महाराज मूर छाया शिशुपाल और इनाम सिंह तोहे बताए दो, अरे और प्रमोद तुम्हें समझाए दो ये आगे को हाल, और भैया तोहे बताए दो। कजराल के भाभी आए गई है, कजराल के भाभी आए गई है, एक आंख में दो है लगाए वो लगाई, कजराल के भाभी आए गई है। श्री लला तुम मत जाओ, तुम मत जाओ, लेकिन जी बताओ शिशुपाल कह रहे कि अब हमारे दूल्हा बरेवे में कोई कमी तो रही नहीं, मोहर तो रखिए लो, कपड़ा पहन ले जूता पहन ले सब तैयारी है, अब कोई कमी तो नहीं रही लला हैं, नहीं कमी है, अब काई कमी रहेगी ऐसे मालूम पड़े भय मटक्का ना देखो तो बोली भय मटक्का मतलब हाँ भय मटक्का की तरह लग रही है, एक आंख में काजर और एक में है ही नहीं, एक आंख में काजर और एक में है ना हाँ, तो एक आंख में लगा दो तुम ही ने और दूसरी आंख में को लगाए लगाए हम ही, लेकिन नेक देव
अच्छा नेगू चाहिए हाँ, 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 आ जाते पड़े आप पहले तुम्हें नेगू ही दे ना चाहिए ना, 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 ऐसी लगा दी है एक सो भाभी समझ गई एक लग गया तो नेगू सुबह है सो डर के माए भाई काजल भाई डिबी हाथ में उठा ली डर के माए और काजल लगाती जा रही चुपचाप लगा रही और समझाई भी रही लला कि भारी असगुन भाइयो जाने ममलाय और रपट गौ पट्टा और वहां तो ए बरना एक नारे पर को और यही नहीं समझा रही हूं कह रही अरे ते बरस की माने हमारी अरे ते बरस की माने हमारी और नहीं मिलेगी रुकमिड़ी नारी और घट जाएगी शान तुम्हारी है पैसे वहां रिश्तेदारी मेरे भैया आज यही नहीं काजर लगाए दियो है समझाए दियो बड़े हिसाब से जइयो क्योंकि दुल्हन तो दूसरे की है तुम तो खाम खाम बीच में हाँ पौआ लगाए रहे खाम खाम जल्दी कर रही है बक बक कर रही है तू अभी ये बता ऐसो है हाँ। ससुपाल क्या है वो हिसाब ना हो जाए खाम खाम में खीर सी खाते भाई आप लगा से कैसी भाभी खीर सी नहीं हम तुम्हारी दौरानी लाएंगे तुम्हारे लिए सेवा का हाँ हमें मालूम है सेवा का आएगी तुम्हारी नाटक दवाई दिख रही है बताओ जैसे कि पहले जमाने की बात बताएं परिचय जी जब गाड़ी चला करती थी बैलगाड़ी तो एक भैया अपनी पत्नी की पहली बार विदा कराए के लाए रहे नई बहू पहली बार लाए विदा कराए के सो गाड़ी चली आ रही